अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है? तो जनाब अली, वीडियोस ना बनाना मेरे लिए सर दर्द बन चुका था और मैं बिल्कुल यानी फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा, क्यों नहीं टाइम मुझे मिलता, मैं क्यों नहीं बनाता। सो उसका मैंने एक हल निकाला है नहीं और वो हल ये है कि जनाब आई एम गेनिंग टू मच वेट। तो उसका मकसद ये है कि अब वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। मैं जब यहाँ पर आया था तो मेरा वेट तकरीबन 70 kgs के आसपास था और अब 81 टच कर रहा है। आर यू कॉमेडी मी? सो इन लास्ट ईयर मैंने तकरीबन 10 kg वजन गेन किया है। सो अब टाइम है कि इसे लूज किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो सीन्स ये हैं कि मैं सबसे पहले तो एक करने लगा हूँ 2 day का नो शुगर चैलेंज, जो कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से वो करूँगा और आपके साथ हर मोमेंट को शेयर करूँगा। जहाँ भी कुछ खाऊँगा पीऊँगा आपके साथ शेयर करूँगा। और ये वेट लूज जर्नी का आगाज़ है। फर्स्ट वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, ये इंट्रो वीडियो है। और जो मील मैंने सेलेक्ट किया है, अपनी एक डाइट प्लान बनाया है, जो मील सेलेक्ट किया है वो भी अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। 16वां रोज़ा ख़त्म हो गया और जनाब कल है 17वां रोज़ा, और 17वें रोज़े से हम 30 रोज़े तक ये डाइट फॉलो करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि हमें कितना फ़र्क आया है और क्या तस्वीरें वगैरह मैं बना लूँगा अपनी बॉडी की, और उस हिसाब से फिर देखेंगे कि हमें कितना फ़र्क आया भाई, स्लीप कितनी इंक्रीज़ हुई, क्या फ़र्क आया, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सो स्टार्ट करते हैं, अभी जाएंगे दुकान पे। तकरीबन 11:30-12 का टाइम हो रहा है रात के, और सुबह हमने जाना है जी 7 बजे काम पे, और सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, रमज़ान है, रोज़ा रखना है। सो अभी जाते हैं दुकान पे, कुछ हैं डाइट प्लान भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं अभी क्या बनाने लगा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। और नो शुगर है ये, आर्टिफिशियल शुगर कोई नहीं डलेगी इसमें, जैसे कि ये जो हमारी सफ़ेद शुगर होती है जिसे डॉक्टर्स कहते हैं वाइट पॉइजन, खैर वाइट पॉइजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो मेरा बाजू थक गया, अभी चलते हैं दुकान की तरफ, कुछ चीज़ लेके आते हैं अच्छी सी और फिर देखते हैं क्या तरतीब है। अच्छा वाली दुकान पे आ चुके हैं, अभी हमने ज़्यादा कुछ नहीं लेना, सारा कुछ है। एक लेंगे हम लो फैट कर्ड यानी दही, तो मैं सामान वगैरह ले आया हूँ सारा, उसमें मैं क्या क्या लाया हूँ वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और साथ हम बनाएंगे अभी इसको तैयार करेंगे। ओवरनाइट मील है जो रात को बना के रखेंगे और सुबह खाएंगे सहरी में। सो वो भी बनाना शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जनाब सबसे पहले जो चीज़ मैं लेकर आया हूँ वो है जनाब ये ओट्स, कंपनी कोई भी चलेगी, होल ग्रेन ओट्स, ओ फैट मिल्क, क्योंकि यहाँ पर डब्बे चलते हैं तो मुझे यही मिला है। कल से इंशाल्लाह हम आलमंड मिल्क तैयार करेंगे खुद घर पे, वो इस्तेमाल करेंगे। लो फैट दही, बादाम के 5 पैकेट लाए हूँ, ये कल इस्तेमाल करेंगे। नाबे अली अभी बनाना शुरू करते हैं, और सबसे पहले हमें इसमें डालने हैं ओट्स। ये जनाब ये एक ले लिया है हमने कप, उसको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बिशाक और डाल देते हैं, उसके बाद जनाब हमने इसके अंदर डालना है यह लो फैट मिल्क सऊदिया का, अल सऊदिया कंपनी का, ये 1 कप हमने इसमें ये दूध डाल दिया, और आधा सा कप और डाल देंगे, ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। इसके बाद जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट था जो मैं आपको बताना भूल गया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिया सीड्स लिखे थे लेकिन चिया सीड्स मुझे नहीं मिले, इस वजह से जनाब ये मैं डाल रहा हूँ बेजल सीड्स, इसको हम उर्दू में तुख मलंगा भी कहते हैं। ये हमने तकरीबन 1.5 चम्मच डालनी है बीच में, 1 चम्मच घी, और ये तकरीबन 1.5 चम्मच हमने इसमें डाल दी। तो जनाब अब ये मिक्सचर तैयार हो चुका है और काफ़ी गाढ़ा है, अब हम इसको
ढक्कन को बंद करेंगे और सैरी तक इसे हम रखेंगे रेफ्रिजरेटर में। तो सुबह उठ के आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या तरतीब बनती है। ये उठा लिया, पिक्चर तैयार हो चुका है और मैंने उसे फ्रीजर में रख दिया है, वो ओवरनाइट स्टोर होगा। सुबह हम उसको खाने वाले हैं। कल 17वां रोज़ा है, 16 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े जा रहे हैं, कोई नहीं मिस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब अली अब सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि अब आपको मजा आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मुझे भी बहुत ज्यादा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने जर्नी को लेके। सो स्टार्ट तो कर दिए अल्लाह का नाम लेके। और इंशाल्लाह वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि मैं अपने मोटिव से हटू ना, मैं अपने गोल से हटू ना। इस वीडियो के तवसत से मैं स्टिक रहूंगा अपने इस गोल के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी ऑडियंस से बात कर दी है कि जनाबे अली मैं वेट लूज स्टार्ट करने लगा हूँ, और अगर आप मैं अपनी बात से पीछे हटूंगा तो फिर जने वाली गलत ना आई ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। खैर मैंने स्टार्ट कर दिया है तो अभी मैं सोने लगा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 12 का टाइम हो रहा है, सुबह 4 बजे फिर उठना है। तो आज का व्लॉग यहीं तक है, इस वीडियो को प्यार दें और आगे शेयर कर दें। सो अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून, कल मिलते हैं डे 1 के साथ। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून।